हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तलक राशन 10+12 में। इधर देखेंगे बेटा कौन सा, अब देखो इससे पहले मैंने जो पार्ट नंबर 1 बनाया है इसका 7.5 का, उसमें देखेंगे एक तरीके के सवाल है। अब बेटा दूसरा तरीका देखो बेटा, यहाँ पे हम देख रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सवाल हमने पहचान लिया आंशिक भिन्नों का है। कैसे पहचान लिया? ऊपर घात कम नीचे गुणनखंड, ये सिंपल पहचान है। चलो देखो अब लिखेंगे इसको, सीधा ही लिख दो, सही है बिल्कुल, आंशिक भिन्नों से, आंशिक भिन्नों से, भिन्नों से कैसे लिखोगे बेटा? एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स माइनस का 1, ठीक है, तरीका वही रहेगा, तरीका वही। कैसे चाहो तो आप पहले क्या है, पहले इसको लिख लो कम घात वाले को, फिर ज्यादा, इस तरीके से भी लिख सकते हो, अच्छा तरीका है। क्या पहले क्या लिख लो, x माइनस का 1 और फिर क्या लिख लो, इसको भी दूसरे तरीके से लिख लो, क्या 1 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमने तुम्हें क्या बताया, जितने नीचे गुणनखंड हो पहले उतने बटे खींच लो, खींच लिया, अब क्या लिख लो, एक्स माइनस का 1 और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। कितनी घात है इसमें, चर की घात 1 है, एक कांस्टेंट लगा दो। अब इसमें चर की घात कितनी है, 2, ये किसी भी कीमत के इसकी घात बदली ना जा सकती है, ठीक है ना, जब बदली ना जा सके यानी कि इसकी घात 2 ही रहेगी, तो बेटा ऊपर 2 कांस्टेंट मानने होंगे और एक के साथ पहले के साथ एक्स मानो और फिर अगला ऐसे ही सिंपल, सही है, प्लस करके ऐसे सिंपल। कैसे, जैसे ए मान लिया तो इसमें बी एक्स प्लस सी मानना होगा, क्या लिखूंगा, घात 2 है तो ऊपर 2 कांस्टेंट मानने पड़ेंगे, पहले के साथ x लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस के सी, और ये समीकरण आ गई फर्स्ट, ठीक है ना। बस आगे बढ़ा, तरीका वही है, क्या x माइनस का 1 और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। यहां क्या करोगे बेटा, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस का 1 और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये यहां ले जाओ और ये यहां, कुल मिला के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर यहां पर बाहर ए, और यहां क्या ले जाओगे, एक्स माइनस का 1, बाहर क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस के सी, ठीक है, हर से हर कैंसिल, एक्स ऐसे ही बेटा, इधर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और बाहर ए, और यहां पर एक्स माइनस का 1, बाहर बी एक्स प्लस के सी, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये तो आप शून्य कर लोगे, ठीक है, कैसे, एक्स बराबर क्या रख दोगे, 1, वन रखने पर शून्य, यहां कुछ भी कर लेना, एक्स की जगह कुछ भी रख लेना, प्लस माइनस शून्य कुछ भी, ये शून्य नहीं हो सकता। तो अब इसका तरीका क्या है बेटा, इसमें चर कैसे निकालेंगे हम जो कांस्टेंट हमने मानी है, देखो कैसे, पहले बिल्कुल सही कर लो, उधर क्या करेंगे, एक्स ऐसे ही इधर गुणा कर लो, इसके इससे गुणा करोगे ए, इसके इससे करोगे बेटा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां भी गुणा करो, इसकी इससे करोगे तो बी एक्स स्क्वायर, इसकी इससे करोगे तो प्लस का सी एक्स, इसकी इससे करोगे माइनस के बी एक्स, इसकी इससे करोगे माइनस के सी, कुछ ना करा गुणा करिए, यहां एक्स ऐसे ही बेटा, यहां पर पद लिख लो सही करके, कैसे, पहले एक्स स्क्वायर वालों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, फिर एक्स वालों से एक्स कॉमन ले लेंगे और फिर कॉन्स्टेंट लिख लेंगे, ए स्क्वायर का पद ये है और ये है, इनसे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए प्लस का बी बच गया, बताओ, यहां से सी वाले पद से ये है और ये है तो सी माइनस के बी बच गया, कांस्टेंट एक ये पद है और एक ये है तो ए माइनस का सी लिख दो, ठीक है ना, बस लिख दिए। यहां क्या करते हैं हम, उस तरीके से मानने निकलेंगे जैसे पहले में लिखा लिया, तो यहां क्या लिख लो, दोनों ओर, दोनों ओर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स के गुणांक, के गुणांक तथा अचर पद, अचर पद बराबर रखने पर या बराबर लेने पर, बराबर लेने पर, ठीक है। अब आपको कितने समीकरण मिलेंगे, 2, 3 मिलेंगे, ए प्लस बी है, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर ना है, इधर आप 0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस का इसको एक्स लिख लो और प्लस का 0, तो a प्लस के b बराबर क्या मिल गया आपको, शून्य, ठीक है ना, यही इसको मान लो फर्स्ट, ये इससे आप और आगे बढ़ा लो,
ये ऐसे रहने, इसको क्या मान लिया फर्स्ट, तथा एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक उधर था सी माइनस के बी और बराबर क्या हो गया इधर है वन। ये समीकरण आ गई आपके सेकंड, तथा यह यहां पर कॉमन लगा लो कॉमन और यहां लिख लो तथा, क्या लिख लोगे ए माइनस के सी और बराबर क्या लिख लोगे बेटा इधर कांस्टेंट पद क्या है शून्य। ये समीकरण क्या आ गए थर्ड, ठीक है ना। इस तरीके से आपने कितने समीकरण बना ले, तीन बना ली। लेकिन हम जानते हैं, हम तो दो चर रैखिक समीकरण जानते हैं। दो चरों का मतलब है जैसे ये ए बी में हो, एक समीकरण ए बी में और मिल जाए, ये बी सी में, ये समीकरण भी बी सी में मिल जाए, ये समीकरण इस तरीके से करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं यहां पर इन दोनों से बेटा, इन दोनों से, इन दोनों को ले लो पहले, इन दोनों को जोड़ लो, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगी, ए बी में समीकरण मिल जाएगी, एक ए बी में है ये है, एक ए बी में ये है, कुल मिलाएंगे इनको हल करनी है। तो क्या कर लेंगे, समीकरण सेकंड बा थर्ड लेने पर, थर्ड लेने पर ले लो बेटा, लेंगे क्या सी माइनस के बी बराबर वन और ए माइनस के सी बराबर क्या आ गया शून्य। यहां जोड़ दो क्योंकि सी से सी कैंसिल हो रहा है, जोड़ने पर जोड़ोगे बेटा तो देख रहे हैं सी से सी कैंसिल, ए माइनस के बी बराबर क्या मिल गया वन। ये समीकरण कौन सी आ गई चौथी। अब देख रहे हैं हमें पता है ये भी में है और ये भी में है, बस इनको हल कर लो। समीकरण फर्स्ट व फोर्थ लेने पर ले लेंगे बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा a माइनस ए प्लस का b बराबर शून्य और वहां क्या है a माइनस के वन बराबर, a माइनस के b बराबर क्या हो गया वन। फिर से जोड़ दो, जोड़ने पर, जोड़ने पर देख रहे हैं b से b कैंसिल, यहां हो गया 2a और बराबर इधर हो गया वन, कुल मिला के a बराबर एक बटे दो। एक मान मिल जाए बस, एक मान की देरी होती है फिर कुछ ना है। अब हम देख रहे हैं एक का मान मिल चुका है, ए का मान कहां रख दो समीकरण एक में, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से यहां लिख लो एक बटे दो प्लस के बी बराबर शून्य, यानी कि बी बराबर आ गया माइनस के एक बटे दो, बी का मान मिल गया। अब बी का मान समीकरण कौन से में रख दो, बी का मान समीकरण इसमें रख दो बेटा, कौन से में, अरे चल किसी का रख दो, चलो ए का रख दो, सी बी का मान चलो इसमें रख दो, या इसमें रख दो ए का मान, समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर रखेंगे बेटा, यहां रखो कितना एक बटे दो आया, अरे ए का मान कितना एक बटे दो, यहां रखा माइनस के सी बराबर शून्य, कुल मिलाए माइनस सी बराबर, इसको उधर ले जाओगे माइनस एक बटे दो, माइनस माइनस कैंसिल, सी बराबर एक बटे दो। आपको ए बी सी सब मिल चुके हैं, ए बी सी मिल चुके हैं, तो समीकरण एक से, समीकरण कौन से से, समीकरण एक से क्या हो जाएगा बेटा, हम जानते हैं क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन और एक्स माइनस का वन और एक्स स्क्वायर प्लस का वन बराबर यहां पर कितना है एक बटे दो आया, एक बटे दो और ब्रैकेट में एक्स माइनस का वन और प्लस बी का मान कितना मिला बेटा, बी का मान मिला माइनस के एक बटे दो, कितना मिला अरे बी का, तो यहां माइनस के एक बटे दो एक्स और प्लस का एक बटे दो और एक्स स्क्वायर प्लस का वन, यही तो मिला बस। तब समाकलन लगा दो, समाकलन यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है ऐसे ही तो करोगे। यहां लिख लो क्या वन अपॉन टू एक्स माइनस का वन प्लस क्या माइनस के एक बटे दो एक्स और प्लस के एक बटे दो और एक्स स्क्वायर प्लस का वन, अलग अलग करो बेटा बिल्कुल, एक बटे दो ऐसे ही समाकलन वन अपॉन एक्स माइनस के वन और डी एक्स, इसको भी अलग कर लो माइनस के एक बटे दो समाकलन इसके बटे में ये सब चीज एक्स स्क्वायर प्लस के वन किसके यहाँ पे एक्स है एक्स और डी एक्स प्लस का एक बटे दो समाकलन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वन और डी एक्स। कितने पद मिले हमें, तीन पद मिले हैं, कितने पद तीन, जिसमें हम देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल हो रहा है ये, क्या हो रहा है बेटा ये टी
तो इसका डिफरेंशियल वन हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट वन अपॉन टी का लॉग टी कर सकें। इसका डिफरेंशियल ये रखा तो यहां प्रतिस्थापन लगाना पड़ेगा, ये भी डायरेक्ट है इसका, ये तो सूत्र है। अरे क्या, अरे समाकलन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है, अरे टेन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये भी सही है, बस यहां लगाना पड़ेगा। यहां क्या कर लो, माना क्या करेंगे, वन प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लो, डिफरेंशियल करोगे यहां डिफरेंशियल विद और रेस्पेक्ट टू एक्स और लिखोगे बोथ साइड्स, ऐसे ही तो लिखोगे सही। क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स किसका, वन प्लस के एक्स स्क्वायर का, डी ओवर डी एक्स किसका बेटा, टी का। कुल मिलाकर इसका हो गया वन, इसका हो गया शून्य, इसका हो गया टू एक्स, तो टू एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, या ऐसा कर लो टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये इतना आप पे है एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन टू हो गया, डी टू अपॉन टू। तब सवाल क्या बन गया, सवाल हमारा क्या बना, सवाल बना एक बटे दो समाकलन वन अपॉन एक्स माइनस के वन डी एक्स, बिल्कुल ठीक है, माइनस का एक बटे दो समाकलन वन अपॉन टी और इंटू डी टी अपॉन दो, ठीक है, और प्लस का एक बटे दो समाकलन इसको वन प्लस के वन एक्स स्क्वायर और क्या कर लोगे डी एक्स। देखो बेटा यहां देखो, ठीक है ना, यहां देख लो, ठीक, कैसे करेंगे, अरे इसका समाकलन तो डायरेक्ट पता है, क्या लिखोगे एक बटे दो और लॉग और क्या लिख दोगे एक्स माइनस के वन, ये तो लिखोगे माइनस का, अच्छा ये हो गया एक बटे चार, माइनस का एक बटे चार और क्या आया लॉग टी, ठीक, और प्लस का एक बटे दो टेन इनवर्स एक्स और प्लस का क्या आया सी। कुल मिलाकर जो जो समाकलन होने थे हमने सभी पद लिख डाले, ठीक है ना, सही आ रही बात तुम्हारी समझ में, चलो और करेंगे बेटा, एक बटे दो ऐसे ही। अब हम देख रहे हैं यहां एक बटे दो, एक बटे चार है, यहां भी एक बटे चार होना चाहिए, तो दो बटे चार कर लो यहां, ठीक है, लॉग और यहां लिखोगे एक्स माइनस एक बटे चार लॉग और टी का मान रख दो, टी का मान क्या है वन प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक बटे दो और टेन इनवर्स एक्स और प्लस का सी, एक बटे चार यहां से कॉमन लेंगे, ये दो यहां चले जाएंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा लॉग और यहां हो जाएगा मोड एक्स इसका स्क्वायर और माइनस का, और क्या हो जाएगा लॉग और वन प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस का एक बटे दो और टेन इनवर्स एक्स और प्लस का सी। और क्या करोगे बेटा, ये लॉग के नियम से एक बटे चार ऐसे रहा, इसको लॉग, अब बेटा इतने बटे इतना ही तो लिखूंगा, अब ये स्क्वायर है चाहो तो मोड हटा के ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर, इस पे भी मोड लगाने की जरूरत ना है क्योंकि ये माइनस संभव नहीं है, और प्लस का एक बटे दो और टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी, ये कोई बड़ी वाली बात ना है, असली बात केवल बेटा इतना सीखना है, ठीक है ना, कुल क्या सीखना है, अरे भाई ये तो आप मान तो इसी तरीके से निकालोगे, सीखना क्या है, जब चर की घात नीचे दो हो तो ऊपर दो चर लिए जाते हैं, जिसमें पहले के साथ क्या लिया जाता है एक्स लिया जाता है, इतने ध्यान रखना, ठीक है, पहले के साथ क्या लेते हैं हम एक्स लेते हैं, इतना मत भूलना, अगर ये भूल गए तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना, आ रही बात तुम्हारी समझ में, चलो देखते हैं बेटा अगला सवाल, बेटा आठवां सवाल देखेंगे, आठवें के बाद आप सब तरीके सीख जाओगे, जो आंशिक भिन्नों के तरीके हैं वो समझ लो सब सीख जाओगे आप, जैसे ही आप आठवां सवाल करोगे, क्योंकि आंशिक भिन्न बेटा तीन तरीके होती है, एक तो सिंपल जितने गुणनखंड हो घात एक एक हो कांस्टेंट उसके ऊपर एक एक लगा दो, लेकिन जब नीचे घात कितनी हो बेटा दो हो तो ऊपर दो कांस्टेंट लगाओ, लेकिन ध्यान देंगे उस समय कांस्टेंट लगाते समय आप ये ध्यान दोगे कि ऊपर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट लगाते समय पहले वाले कांस्टेंट के साथ x और दूसरा सिंपल में प्लस में लिख देते हैं, ठीक है ना, और जो चरों जो कांस्टेंटों के मान निकालते हैं ना वो कौन सी विधि से निकालते हैं, गुणांक विधि से, गुणांक बराबर लिखे सही है, क्योंकि इनके बटे शून्य नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अगला देखो बेटा आठवां सवाल, इसमें आप तीसरा तरीका भी सीख जाओगे, आठवां सवाल क्या है,
सवाल है समाकलन एक्स अपॉन और क्या हो जाएगा एक्स माइनस का वन इसका होल स्क्वायर और एक्स प्लस के दो। इसमें मैं तुम्हें और तरीका सरल बता दूंगा ताकि कि और थोड़ा सरल हो जाए। देखो कैसे करते हैं बेटा, सवाल हमने पहचान लिया आंशिक भिन्नों का सवाल है क्योंकि नीचे घात तीन है चर की और ऊपर एक है और नीचे गुणनखंड है तो आंशिक भिन्नों के अलावा कोई तरीका ना है। तो यहां लिखेंगे क्या आंशिक भिन्नों से, आंशिक भिन्नों से लिखोगे x, ठीक है, यहां x माइनस वन इसका होल स्क्वायर और x प्लस के दो। देखो बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, यहां घात कितनी है दो, दो घात है, दो की जगह तीन हो सके, चार हो सके, पांच हो सके। मैंने बताया जितने गुणनखंड हैं उतने बटे लगाओ, तो गुणनखंड दो समझो ये और एक ये समझो, तो कितने लगाओ बेटा तीन लगाओ, तीन बटे लगा लिए। इसमें क्या होता है नियम, जितनी घात होती है एक घात से चलते हैं, इसकी घात कितनी एक्स माइनस का वन, एक घात ही हो गई एक्स माइनस के दो, सॉरी एक्स माइनस के वन, इसकी घात कितनी हो गई दो, ठीक है ना। आ रही बात समझ, घात कितनी होती तीन, तो मैं यहां लिखता है एक्स माइनस वन की घात तीन, यानी कि जितनी घात है वहां तक जाना है हमें, सही, कहां से एक घात से, फिर लास्ट वाला ये लिख दो, कितना लिख दो एक्स प्लस के दो, ठीक है ना, समझ रहे हो इस तरीके से। अब इसमें घात एक मानोगे, केवल एक है, यहां ए यहां बी और यहां कितना हो जाएगा सी, ये समीकरण आ गई फर्स्ट, ठीक। अब हम देखते हैं यहां बेटा ये शून्य नहीं बन, चलो आगे बताएंगे। अब देखो क्या लिखेंगे हम, वही तरीका सेम तरीका करेंगे, x माइनस वन इसका होल स्क्वायर और x प्लस के दो, और इधर लूंगा मैं एलसीएम, एलसीएम में क्या लूंगा इसे लेने की जरूरत ना है, इसको ले लो x माइनस वन इसका होल स्क्वायर और x प्लस के दो। देखो बेटा एक घात से एक घात कैंसिल हो गई, एक ये घात बची, एक घात ये बची, जितनी भी बची यहां लिख दो x माइनस वन और x प्लस के दो, बाहर क्या हो जाएगा ए, इससे बेटा ये कैंसिल, यहां बचा x प्लस के दो, वो यहां लिख लो x प्लस के दो बाहर भी, ठीक, इससे ये कैंसिल, यहां क्या बचा x माइनस वन इसका होल स्क्वायर c, हर से हर कैंसिल, इधर बचा x और यहां x माइनस का वन और x प्लस के दो बाहर a और x प्लस के दो बाहर b और यहां x माइनस वन इसकी घात दो और यहां आ गया c, ये आ गए समीकरण दो। अब हम देख रहे हैं बेटा अगर आपको थोड़ा सा परेशानी से बचना है, चूंकि हमें तो एबीसी के मान निकालने हैं, तो क्या करेंगे किस कौन कौन शून्य हो रहा है, ये शून्य हो रहा है, परंतु ये शून्य हो रहा है तो ये भी शून्य हो रहा है, तो ऐसा ना करेंगे, लेकिन ये शून्य हो रहा है, ठीक है, इससे इसका रिलेशन इनसे ना है, तो हम देख रहे हैं ये शून्य हो रहा है तो इसका मतलब सी का मान पहले ही निकाला जा सकता है पुराने तरीके से, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है जो समीकरण सॉल्व करते हैं तो समीकरण सॉल्व में होता क्या है, अगर एक मान मिल गया तो सब मिल जाते हैं, तो एक मान पहले ही निकल लिया, निकाल लो ना, यहां थोड़ा फिर बढ़ाएंगे, कैसे लिखेंगे c के मान के लिए, मान के लिए क्या लिख लो x बराबर माइनस के दो रखने पर, रखने पर तो माइनस के दो यहां रखोगे बेटा, यहां माइनस दो रखो शून्य, ये भी माइनस दो रखो शून्य, यहां लिख लो माइनस के दो माइनस के वन इसका होल स्क्वायर और सी, कुल मिला के माइनस के दो, ये माइनस के तीन, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो तीन का स्क्वायर नौ सी, बराबर करोगे सी बराबर ये नौ बटे में चले जाएंगे माइनस के दो बटे नौ, यानी कि हमें क्या मिल गया सी का मान मिल चुका है, बाकी की मान कैसे निकलेंगे तुलना से, तो लिखेंगे पुनः दो समीकरण, पुनः समीकरण दो, दो को आगे बढ़ाओ, क्या करेंगे एक्स ऐसे ही बेटा गुणा खोल खोल कर रखो, गुणा खोलोगे देखो इसकी इससे करोगे एक्स स्क्वायर, इसकी इससे करूंगा बेटा प्लस के टू एक्स, इसकी इससे करूंगा माइनस के एक्स, इसकी इससे करूंगा माइनस के दो, बाहर क्या हो गया ए, यहां पर सीधे ही क्या कर दो, चलो और अगले पद में कर लोगे, चलो इधर यहां होल स्क्वायर खुल गया एक्स स्क्वायर प्लस का वन माइनस के टू एक्स, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है, ठीक है,
चलो एक्स ऐसे बेटा और आगे बढ़ाओ, इसकी गुणा इससे। देखो यहाँ दो एक्स में से एक एक्स गया तो एक एक्स है, इसकी इससे करोगे ए एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक ही तो एक्स है, इसकी इससे करोगे तो ए एक्स माइनस के टू ए, प्लस इसकी इससे करोगे बी एक्स प्लस के टू बी, उसकी इससे करोगे सी एक्स स्क्वायर प्लस के सी माइनस के टू सी एक्स। कुल मिला के एक्स ऐसे ही बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लूँ, यहाँ प्लस में एक्स लिख लूँ और यहाँ कॉन्स्टेंट पर लिख लूंगा। एक्स स्क्वायर वाला पद एक ही था और एक ही था, तो क्या हो बचा यहाँ पे ए और यहाँ पे हो गया प्लस का सी। एक्स वाला पद यहाँ से ए बचा, यहाँ से प्लस का बी बचा और यहाँ से क्या बचा माइनस के टू सी बचा। ठीक है, कॉन्स्टेंट पद कौन सा बचा, माइनस के टू ए ये रहा, ये भी रहा प्लस के टू बी प्लस के सी। ठीक है, यहाँ लिख दो दोनों ओर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स के गुणांक तथा अचर पद बराबर लेने पर। ले लेंगे बेटा, क्या लेंगे देखो, पहले लिखोगे यहाँ इधर चाहो तो ऐसे लिख लो शून्य एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स ऐसे लिखो और प्लस का क्या लिख लोगे शून्य, तो यहाँ पर मिला ए प्लस के सी बराबर शून्य, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है इधर है ना। अब हमें पता है यहाँ क्या मिल चुका है सी, तो यहाँ पर ए इसकी जगह लिखोगे कितना 2/9 बराबर शून्य। कुल मिला के हमें ए की जगह कितना मिला 2/9 ए मिल गया, यहाँ लिखोगे इतना था। अब हमें पता है ए मिल गया सी मिल गया, बस एक समीकरण और चाहिए, ये इसके बराबर रख लो तो ए प्लस के वी और माइनस के टू सी। इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था इधर 1 है, तो इधर क्या लिख लोगे 1, ए और सी के मान लिख लो। ए का मान कितना है बेटा, ए का मान है 2/9 प्लस सी का मान यहां लिखूंगा बी ऐसे ही माइनस के 2 गुणा, यहां सी का मान कितना है बेटा, सी का मान आपने निकाला है माइनस के 2/9 और बराबर क्या आ गया 1। कुल मिलाए के बी ऐसे ही बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2/9 और 2 × 2 = 4 प्लस का हो गया, तो कुल मिलाए के 4 और 2 = 6/9 और बराबर 1। कुल मिलाए के बी बराबर ये उधर ले जाओ पद 1 − 6/9 और इम्प्लाइड कर लो यहाँ पे बी बराबर क्या हो गया 9, ले ले एलसीएम 9 आएगा यहाँ 9 − 6 तो 3/9 आ जाएगा, 3 × 3 = 9 कुल मिलाए के 1/3। कुल मिलाए के हम पर ए बी सी के सबके मान आ गए। ठीक है, तब लिखेंगे तब तब हमारी सवाल क्या हो जाएगा, अरे एक्स अपॉन और कितना था एक्स माइनस वन इसका होल स्क्वायर और एक्स प्लस के 2, सब ए बी सी के मान रख दो। ए का मान कितना आया बेटा, ए का मान आया 2/9 और अपॉन क्या लिखूंगा एक्स माइनस का वन, प्लस बी का मान कितना आया, बी का मान आया 1/3 या 1/3 और क्या लिख दोगे एक्स माइनस वन इसका होल स्क्वायर। सी का मान कितना आया माइनस के 2/9 और यहां क्या लिख लोगे एक्स प्लस के 2। ठीक है ना, कुल मिलाकर हमने सवाल अपना पदों में तोड़ लिया। तब तब क्या हो जाएगा बेटा समाकलन, ये चीज लगा लो, यही चीज लिख लो, क्या लिख लो 2/9 और एक्स माइनस का 1 ब्रैकेट में प्लस का 1/3 और एक्स माइनस वन इसका होल स्क्वायर और डी एक्स सॉरी 2/9 और एक्स प्लस के 2। ठीक है ना, क्या करेंगे अलग अलग करो, 2/9 समाकलन 1/(x−1) डी एक्स प्लस 1/3 समाकलन 1/(x−1) इसका होल स्क्वायर। देखो बेटा क्या यहां पर क्या लिखोगे माइनस के 2/9 समाकलन 1/(x+2) और dx। अब देखो बेटा डायरेक्ट कर देते हैं, इसका डिफरेंशियल क्या हो रहा है 1, तो ये तो 1/t का log t हो जाएगा,
इसका भी डिफरेंशियल क्या हो रहा है, वन, तो ये भी वन अपॉन टी का लॉग टी हो गया। अब इसका इसका भी तो डिफरेंशियल क्या हो रहा है, वन, तो कुल मिला के ये क्या हो गया, वन अपॉन टी का स्क्वायर और डी टी हो जाएगा। अगर हम मानेंगे प्रतिस्थापन लगाएंगे, फिर इसका कैसे करोगे बेटा, इसका टी की घात माइनस के दो और डी टी करोगे, ऐसे तो करोगे। फिर क्या करेंगे, पावर के हिसाब से एक्स की पावर एन का समाकलन आप सब जानते हो, एक्स की पावर एन प्लस का वन अपॉन एन प्लस का वन और प्लस का सी। उस नियम से टी की घात माइनस दो प्लस का वन अपॉन माइनस के दो प्लस का वन, कुल मिला के टी की घात दो में से एक गया माइनस का एक अपॉन माइनस का एक, माइनस ऐसे ले आओ इसको नीचे ले जाएंगे तो वन अपॉन टी, कुल मिला के वन अपॉन और क्या हो जाएगा टी का जो मान है वो लिख लो, ठीक है ना। कुल मिला के हम यहाँ पे ये सीखे, वन अपॉन टी की पावर दो होता है तो उसका समाकलन वन अपॉन टी होता है। इस नियम से डायरेक्ट कर दो, क्यों लफड़े में पड़ गए बेटा, प्रतिस्थापन यहां लगाने की कोई जरूरत ना है, काफी बड़ा सवाल हो गया है, ठीक है ना। तो यहां क्या कर दूं मैं, देखो यहां आप लोग समाकलन जानते हो, टू अपॉन नाइन लॉग एक्स माइनस का वन और प्लस, यहां माइनस आ जाएगा ना, तो एक बटे तीन और जितना उतना क्या एक्स माइनस का वन, ठीक है, और माइनस के दो बटे नौ और ये हो जाएगा लॉग और क्या हो जाएगा एक्स प्लस के दो और प्लस के सी। इन दोनों से दो बटे नौ कॉमन ले लो, ले लिया, अंदर क्या बचा लॉग एक्स माइनस का वन और माइनस के लॉग कितना एक्स प्लस के दो, ठीक है, और क्या यहां ब्रैकेट बंद कर दो और माइनस के एक बटे तीन और एक्स माइनस के वन और प्लस के सी, इसको और कर लो दो बटे नौ ऐसे ही लॉग ऊपर क्या एक्स माइनस का वन नीचे क्या एक्स प्लस के दो और माइनस के एक बटे तीन और एक्स माइनस का वन और प्लस के क्या आ गया सी, ये आ गया आंसर। ये तीसरा तरीका था पावर वाला, ये कौन सा तरीका था, तीसरा वाला। बेटा आंशिक भिन्नों के तीन तरीके ही हैं, इससे चौथा तरीका ना है क्या, पहला वाला एक एक घात में गुणन कर लो, दूसरा क्या हो जब घात में नीचे कितने हो दो, दो घाते हो, और तीसरा पूरा होल पावर। होल पावर का हमने तुम्हें बता रखा है, जितनी भी पावर होती है ध्यान रखना एक पावर से वहां तक ही जाएंगे और ऊपर एक एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे। समझ में आ रही बात तुम्हारी, हाँ आ रही होगी, चलो एक मिनट और देख। देखो बेटा ये सवाल, ये कठिन सवाल ना है, बनावटी सवाल है, समझ गए, पहले ही पता लग रहा होगा ऊपर पावर कितनी है, ऊपर कम है पावर और नीचे कैसी है बेटा ज्यादा है, ऊपर कम है और नीचे कैसी है ज्यादा, तो क्या कर लो, अरे हर के गुणनखंड कर लो, क्या कर लो हर के गुणनखंड, अरे सरल तरीका है ना, हर के गुणनखंड कर ले, हमें पता आंशिक भिन्नों का सवाल है, सरल सवाल है बिल्कुल सिल। पांच यहां से क्या ले लूं बेटा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, यहां से बचा एक्स माइनस का वन, तुरंत माइनस यहां से क्या ले लूं वन कॉमन, क्या हो गया ये एक्स माइनस का वन हो गया, और आगे बढ़ाओ क्या करोगे थ्री एक्स प्लस के फाइव, यहां ब्रैकेट कैसी बन गई समान, फिर से ले लो एक्स माइनस का वन, यहां से क्या बचा बेटा, यहां से दूसरी ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर माइनस का वन, ठीक है ना, फिर से इसके और गुणनखंड हो रहा है थ्री एक्स प्लस के फाइव, यहां एक्स माइनस का वन, इसको क्या लिख सके बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, यानी कि दो ब्रैकेटों में लिख सके, कितने में लिख सके दो में, तो थ्री एक्स प्लस के फाइव, यहां एक्स माइनस का वन ऐसे ही, इसको लिखोगे एक्स माइनस का वन और एक्स प्लस का वन और क्या हो जाएगा डी एक्स, क्या सवाल हो गया ये थ्री एक्स प्लस के फाइव, यहां क्या लिख लोगे आप एक्स माइनस वन इसका होल स्क्वायर और एक्स प्लस का वन और डी एक्स, बिल्कुल बेटा अभी वाला सवाल ना बन गया बताना जरा, अरे होल स्क्वायर वाला, चलो मैं तोड़ के बता रही हूं, कभी सोच रहा सर ऐसे ही छोड़ रहा हूं। आंशिक भिन्नों में, आंशिक भिन्नों से क्या लिखोगे थ्री एक्स प्लस के फाइव, नीचे क्या हो गया एक्स माइनस वन इसका होल स्क्वायर और एक्स प्लस का वन,
बेटा तीन गुणन करना है, दो तो ये है एक ये है, तो तीन बटा खींच दो, ठीक है। यहां दो पावर है तो एक पावर से चलो x माइनस का वन और x माइनस वन इसका होल स्क्वायर, फिर एक पावर ये है x प्लस का वन, यहां a लिख दो, यहां b लिख दो और यहां c, ये समीकरण क्या आ गए फर्स्ट। क्या करो वही एलसीएम ले लो, 3x प्लस के 5, नीचे क्या x माइनस का वन इसका होल स्क्वायर और x प्लस का वन, इधर आप एलसीएम लोगे क्या ले लेंगे, अरे एलसीएम ये ले लो x माइनस वन इसका होल स्क्वायर और x प्लस का वन, ठीक है। देख रहे एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल बची, एक बच गई x माइनस वन की और एक x प्लस का वन, बाहर क्या रह गया ये, इससे ये कैंसिल ये बच्चा, यहाँ तो x प्लस का वन और बाहर भी, यहाँ क्या करोगे इससे ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा x माइनस वन इसका स्क्वायर और c, हर से हर कैंसिल, कुल मिला के सवाल क्या बचा बेटा, ये सवाल बन गया हमारा क्या 3x प्लस के 5 और अपॉन क्या है, अपॉन ना हर से हर कैंसिल कर दो, ठीक है ना, यहाँ बराबर क्या है बेटा, यहाँ बन गया हमारा, ये बन गया दो वर्गों के बीच माइनस का चिन्ह, यानी कि x का स्क्वायर माइनस का वन बाहर है और प्लस क्या कर दोगे x प्लस का वन और बाहर भी, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस का वन इसका होल स्क्वायर और c, ये समीकरण क्या इतनी आगे दो। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ हम ये शून्य बना रहे हैं, बन जाएगा, परंतु ये भी तो शून्य बन रहा है इसलिए इसको भी ना बनाएंगे, तो ये इनको छोड़ो, लेकिन ये शून्य बन रहा है, x की जगह माइनस वन रखो तो c का मान निकाल लो, यहाँ यहाँ क्या निकाल लो c का, तो यहां लिखेंगे c के मान के लिए, मान के लिए x बराबर क्या माइनस का वन रखने पर, रखने पर तो यहाँ तीन गुणा माइनस का वन और प्लस के कितना हो गया फाइव, माइनस वन रखोगे माइनस वन का स्क्वायर प्लस, ये शून्य और ये भी शून्य, वो बचा माइनस का वन, माइनस का वन इसका होल स्क्वायर और बाहर कितना हो गया सी, ठीक है, बढ़ाओ इसको कितना हो गया तीन गन तीन, तीन में यहाँ पांच में तीन के कितना बचा दो, और इधर माइनस दो का स्क्वायर हो गया चार और सी, इम्प्लाइड कर लो ये बचा पहुंच जाएगा दो बटे चार, दो एक दो, दो दूनी चार, कुल मिलाए के सी का मान एक बटे दो। अब ये मान आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा क्योंकि अभी तो गुणांक बराबर लिखने हैं ना, तो यहाँ कर लेंगे पुनः समीकरण कौन सी ले लो दो ले लें, दो लेने पर लेंगे बेटा क्या 3x प्लस के 5 इक्वल कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस के बी एक्स प्लस के बी और इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस का वन माइनस के टू एक्स और क्या हो गया सी, यानी कि 3x प्लस के 5 ऐसे ही, यहाँ ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस के बी एक्स और प्लस के बी और प्लस के सी एक्स स्क्वायर प्लस के सी माइनस के टू सी एक्स, ठीक है, बस 3x प्लस के 5 ऐसे ही बेटा। हमने तुम्हें बताया यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ क्या ले लो x कॉमन और ये कॉन्स्टेंट पद है, यहाँ ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो a प्लस का c बच गया, अब x वाले कौन कौन से, एक ये है और एक वो है, तो b माइनस के 2c कॉन्स्टेंट माइनस का a प्लस का b और प्लस के c, ठीक है ना, दोनों ओर क्या लिखोगे दोनों ओर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स के गुणांक बा अचर पद, अचर बराबर लेने पर, बराबर लेने पर सही है, क्या हो जाएगा ए प्लस का सी बराबर शून्य, अब सी आपका निकला हुआ है ए ऐसे ही प्लस का यहाँ एक बटे दो शून्य, ए बराबर क्या हो गया माइनस के एक बटे दो, ए आ गया, एक बार और ले लो ये कौन सा b माइनस के 2c बराबर नहीं, यहाँ कितना x का गुणांक है बेटा तीन, यहाँ b का मान आपको निकालना है टू ऐसे ही, c का मान कितना था अरे एक बटे दो था, इससे ये कैंसिल उधर तीन थे, b ऐसे ही बेटा तीन थे, ये प्लस का गया उधर एक, b बराबर कितना आ गया चार, आपको a b c सब मिल गए, बस कुछ ना करना है वहां रख देना है, तब क्या हो जाएगा तब सवाल हमारा हुआ क्या, सवाल देखेंगे सवाल क्या था, यही तो था कितना 3x प्लस के 5 और अपॉन क्या था बेटा x माइनस के 1 इसका होल स्क्वायर
और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस का मान बराबर, यहाँ a का मान कितना निकला बेटा, a का मान माइनस के 1/2, और यहाँ क्या है नीचे x माइनस का मान, b का मान कितना निकला बेटा, b का मान निकला 4, तो यहाँ पे 4 लिखोगे और x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, और c का मान कितना निकला बेटा, c का मान कितना 1/2 निकला, c का मान 1/2, 1/2, और यहां लिख दोगे x प्लस का मान, ठीक है। तब तब समाकलन सभाग कहां चल रहा था, हम तो वहां छोड़ कर चले थे, कहां यहीं तो छोड़े थे बेटा ये वाला। तब सवाल क्या पहुंच गया, सवाल बना हमारा समाकलन यहां इस तरीके से लिखिए, ठीक है, dx क्या लिखोगे यहां माइनस के 1/2, और क्या लिख लोगे x माइनस का 1 प्लस के 4 और x माइनस के 1 इसका होल स्क्वायर, और प्लस के क्या हो गया 1/2 और x प्लस का 1, ठीक है। सबके समाकलन हमें पता है क्या, माइनस के 1/2 समाकलन 1 अपॉन x माइनस के 1 dx, प्लस के 4 समाकलन 1 अपॉन x माइनस 1 इसकी घात 2 प्लस dx, और प्लस के 1/2 समाकलन 1 अपॉन x प्लस का 1 और dx, क्या आया बेटा माइनस के 1/2 सीधे ही लगाएंगे log x माइनस का 1। मैंने अभी अभी बताया था इसका क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन इतना ही होता है, तो गुणा 1 अपॉन कितना x माइनस का 1 प्लस यहाँ पर 1/2 और log x प्लस का 1 और प्लस का c, कुल मिला के इनसे 1/2 कॉमन ले रहा, तो कॉमन लोगे तो वो प्लस का पहले बच गया, log यहाँ x प्लस का 1, ये काय का बचा माइनस का, तो log x माइनस का 1 और प्लस और माइनस के 4/x माइनस का 1 और प्लस के क्या हो जाएगा c, log बटे में आ जाता है, तो log यहाँ पे इस तरीके से लिख दो x प्लस का 1 इसका मोड, और नीचे लिख दो x माइनस 1 इसका मोड, और माइनस के 4 अपॉन x माइनस का 1 और प्लस के c। इस तरीके से सवाल ये ध्यान रखना पावर वाला सवाल है, कौन सा वाला है, पावर वाला सवाल है, ठीक है ना, देख रहे बेटा। देखो बेटा ये सवाल है, अभी ये सवाल कठिन ना, ये तो बिल्कुल सरल सवाल है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बनाने पड़ते हैं। अभी ये हम देख रहे थे सवाल, नीचे घात 3 है और ऊपर 1 है, आंशिक भिन्नों का गुणनखंड कर लो नीचे जहां तक संभव हो, तो 2x माइनस के 3 यहाँ क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ना लिख सको, और इसे 2x प्लस के 3, ठीक, यहाँ क्या लिख सके हम, अरे 2x माइनस 3 ऐसे ही, यहाँ x माइनस का 1 और x प्लस का 1 और यहाँ 2x प्लस के 3, सही है, बिल्कुल गुणनखंड हो गए, बस यहाँ लिख दो आंशिक भिन्नों से, किससे आंशिक भिन्नों से, भिन्नों से क्या लिखोगे आप 2x माइनस के 3 और अपॉन क्या लिख दूंगा मैं, यहां लिखूंगा क्या x माइनस का 1 और x प्लस का 1 और क्या लिखूंगा 2x प्लस के 3, कितने गुणनखंड है नीचे 3 है, 1, 2 और 3 बटे खींच दो, x माइनस 1 x प्लस का 1 और 2x प्लस के 3, यहाँ a यहाँ b यहाँ c बड़ा आ गया, ठीक है, क्या लिखोगे 2x माइनस के 3, यहाँ क्या लिखोगे x माइनस का 1 और x प्लस का 1 और 2x प्लस के 3, ठीक है। यहाँ क्यों दिखा रहा हूं, चाहता तो छोड़ देता, पर एक बता बात बताऊंगा क्या, यहाँ 2x प्लस के 3, देखो भाई एलसीएम के नियम के अनुसार आप जानते हो, इससे ये कैंसिल, दो ब्रैकेट बची, x प्लस का 1 और यहाँ पर 2x प्लस के 3 बाहर, ये प्लस इससे ये कैंसिल, तो यहाँ x माइनस का 1 और 2x प्लस के 3 और बाहर क्या है भी, यहाँ भी क्या लिखूंगा क्या x माइनस का 1 और x प्लस का 1 और बाहर से हर कैंसिल, क्या आ गया 2x माइनस के 3 और यहाँ क्या लिखूंगा x प्लस का 1 और 2x प्लस के 3 बाहर, ए प्लस यहाँ पे x माइनस का 1 और 2x प्लस के 3 बाहर भी, और x माइनस का 1 और x प्लस का 1 और बाहर क्या सी, ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2। देखो बेटा यहाँ डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, वही देखो ये शून्य हो रहा है ना x बराबर क्या रखने पर 1, ये भी शून्य हो रहा है x बराबर क्या रखने पर माइनस का 1,
ठीक है ना, ये भी सुन हो रहा है। अब तुम सोच रहे हो सर ये कैसे हो रहा है सुन, देखो बेटे सुन हो रहा है कैसे, इसको सुन लिखो के बराबर लिख लो, तो 2x प्लस 3 को सुन के बराबर रखोगे तो 2x उधर ले जाओ माइनस के 3, x बराबर माइनस के 3 बटे 2, यानी कि x बराबर माइनस 3 बटे 2 रखने पर ये क्या हो जाएगा सुन, क्यों यहां माइनस के 3 बटे 2 रखो तो माइनस के 3 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, सही है, एबीसी निकल गए। बस ये डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट लॉग का है, इसका डिफरेंस इसका समाकलन करते समय इसका डिफरेंशियल 2 आ रहा है तो 1 बटे 2 करके और लॉग में लॉग कर दोगे, ठीक है ना, आ रही बात तुम्हारी समझ में, हो जाएगा आगे कर लेना आगे, ठीक है ना, यही करा यही समझाने के लिए करा था। ये सवाल तो और ज्यादा सरल है बेटा, देखो कैसे, अरे बेटा इसमें क्या है, अरे हमें पता है घात ऊपर 5x है, नीचे x प्लस का 1, और क्या हो जाएगा यहाँ x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे, समाकलन 5x है सही, यहाँ x प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा x माइनस के 2 और x प्लस के 2। अब कौन सा सवाल हो गया, ये सवाल कौन सा बन गया, अरे तीसरा नकर आया था, सेम कर देना, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल, ये तो और ज्यादा सरल सवाल है, आ रही बात तुम्हारी समझ में बेटा। एक वीडियो और बनाऊंगा और वो वीडियो समझ लो, उस वीडियो से गारंटी है, उस वीडियो से निश्चित है, अगर इनसे ना आया तो उससे जरूर आएगा, एक आएगा जरूर। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, ठीक है।